नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज का ताजा मुद्दा। क्यों नहीं थम रहा कर्नाटक में हिजाब विवाद मामला। कर्नाटक के कई जिलों के स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है, जिसमें मंगलवार यानी आज विवाद हिंसक हो गया, जिसके कारण राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को अगले 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने जानकारी दी कि जारी विवाद को देखते हुए अगले 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मैं सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों व कॉलेजों के प्रबंधक के साथ साथ कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। हिंसा और झड़प की वारदातें ऐसे वक्त में हुई हैं जब कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी, बुधवार को भी इस पर बहस होगी। अदालत ने कहा कि इस मामले में वह तर्क और कानून के हिसाब से फैसला देगी, फैसले पर भावनाओं को हावी नहीं होने दिया जाएगा। संविधान हमारे लिए भगवद गीता है। लेकिन मामले के हिंसक होने के पीछे क्या है कारण। मंगलवार को सुबह इस मामले को लेकर कुछ कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच तानातनी के बाद दो पक्षों के बीच नारेबाजी और पथराव की घटना सामने आई। हिंसा की वीडियो में भगवा स्कार्फ पहने कुछ लोग हिजाब पहने लड़की के सामने नारेबाजी कर रहे थे। लड़के जहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहीं लड़की अल्लाहु अकबर कह रही थी। क्या है पूरा मामला। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब उड़प्पी के एक सरकारी कॉलेज में आधा दर्जन छात्राओं ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। दूसरे वर्ष की इन छात्राओं ने हिजाब उतार कर कॉलेज में बैठने की अपील को खारिज कर दिया था। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उड़ापी जिले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शाल पहनकर चले आए थे। इसके बाद लड़कियों ने भी भगवा शाल पहन जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाई कोर्ट की याचिका दायर की। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। हाल ही में अदालती सुनवाई से पहले शनिवार को ही कर्नाटक सरकार ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का नया आदेश जारी कर दिया था। जारी किए गए आदेश के मुताबिक सरकारी शिक्षा संस्थानों की कॉलेज डेवलपमेंट कमेटियां यह फैसला ले सकती हैं कि यूनिफॉर्म कैसी होगी। निजी संस्थान यह फैसला कर सकते हैं कि कॉलेजों में यूनिफॉर्म जरूरी है या नहीं। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, मामला उच्च न्यायालय में है और वहां फैसला होगा। धन्यवाद।